सलाहकार सदस्य पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा बनारस स्टेशन मरवाडे का यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के संबंध में औपचारिक तौर पर संबंधित रेल अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से व्यापक स्तर पर निरीक्षण किया गया व समीक्षा बैठक की। आज वाराणसी में निरीक्षण व समीक्षा बैठक मूल रूप से हाल फिलहाल अग्निवीरों के आंदोलन से यात्रियों को हो रही असुविधा व महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा के संदर्भ में रेल विभाग द्वारा की गई तैयारियों के संदर्भ में रहा। रेल विभाग की तरफ से डिप्टी स्टेशन अधीक्षक कमर्शियल ए के पांडे, आरपीएफ निरीक्षक परमवीर, डिप्टी स्टेशन अधीक्षक शैलेंद्र यादव, सीएचआई राजू यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ए के पटेल व ओम प्रकाश रहे। डॉक्टर आर के मिश्रा राष्ट्रीय सचिव युवा प्रकोष्ठ निर्भया सेना, रिंकी सिंह राष्ट्रीय सचिव महिला प्रकोष्ठ की भी उपस्थिति रही। निरीक्षण उपरांत सतीश मिश्र बाबा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता में रेल द्वारा क्रियान्वित विस्तृत योजनाओं के संबंध में अपने विचार रखे गए व सभी गाड़ियों के सुरक्षित व समयबद्ध संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही शिविर सिंह ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन व समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया। और सबसे पहले तो मैं आज जिस कठिनाई से हम लोग गुजर रहे हैं, अब पहले परिचय अपना। मेरा नाम सतीश मिश्रा बाबा हुआ, मैं निर्भया सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाई एनी रेलवे में मेंबर एनआरयूसीसी रेलवे बोर्ड हुआ। और एक बार मैं सबसे पहले आप लोगों का अंतर मन से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सहयोगी शिशिर कुमार सिंह जी मेंबर जेडआरयूसीसी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी सदस्य हैं। बगल में बहन नसरीन फातमा, वो निर्भया सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जेडआरयूसीसी के मेंबर हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के भी सदस्य हैं। और अपने आईपीएफ परमेश्वर जी, डिप्टी एसएस सहित और भी तमाम सारे साथी रेल कर्मचारीगण, आज जो अग्निवीरों के बीच में एक बड़ी उलझन मन स्थिति को द्वेलित करने की जो स्थिति बन रही है, उसी के निमित्त हम लोगों ने, हम त्रय ने बनारस स्टेशन के निरीक्षण का क्रम के निमित्त हम लोग अभी और घूमे और निकलेंगे भी। मैं दो बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मीडिया का बड़ा रोल होता है, कभी भी रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। आप लोगों से एक निवेदन है, खास तौर से और भी जितने सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, कि हम सभी लोग गंभीरता का किसी बड़े स्टेशन के साथ साथ हम कहीं भूलें ना। वैसे यहाँ पे सीनियर डीसी से तो और भी सारे लोग बड़े अलर्ट हैं, पर इंस्पेक्टर साहब और भी जो छोटे स्टेशन हैं उन पर भी हम लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं इस विषय पर, निर्भया सेना भी लगी है, हमारे माननीय सम्मानित दो दो सदस्य भी हैं, हम लोगों ने एक वर्किंग कर ली और भी हम लोग कुछ निकलेंगे भी। तो एक बार मैं बहुत पवित्र मन से यह कहना चाहूँगा युवा साथियों, यह सही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, पर उस जवानी को भारत को महान बनने में, भारत को बेहतर से बेहतरतम, सुंदर से सुंदरतम, महान से महानतम, दिव्य से दिव्यतम बनने की दिशा में हम अच्छा कुछ करें। बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है कि खड़ी ट्रेन है उसमें आग लगा, कितने कठिनाई के साथ हम लोगों ने कैसे कैसे करा के अभी कोविड को झेला है। मैं मानता हूँ किसी विषय पे यूथ का विरोध हो सकता है, हाँ एक बात मैं दृढ़ता के साथ कहना चाह रहा हूँ कि यह सही है कि बेरोजगारी का भाव पनपा है, पनपा जरूर है, लेकिन मैं आग्रह करता हूं, मैंने अभी एक पिछले दिनों भी सोशल मीडिया पे बात कही थी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय शेखरबद्ध, आग्रह निवेदन है आपसे कि आप अति गंभीरता से युवाओं की भावनाओं का ध्यान देते हुए, ये अच्छा है बुरा है मैं इस पर नहीं जाऊंगा, उन्हें नियमित रूप से जो बहाली होती है सेना की कैसे आप कराएं, ताकि ऐसी और ऐसा अवरोध उत्पन्न न हो और वो मान के चलें कि हम पुराने दिनों के अनुसार बिल्कुल फिट हैं, बम हैं। एक बार पुनः मैं आग्रह करता हूँ छात्रों से, कुछ अन्य भी ऐसे लोग हैं, लेकिन यह भी सही है कि कहीं इसे पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, विरोध जरूर की जाए लेकिन ट्रेन को जला करके नहीं, सरकारी संपत्ति को नष्ट करके समूल विनाश करके नहीं। साथियों, मित्रों, युवाओं, आपसे मेरा करबद्ध आग्रह है हाथ जोड़ करके कि आप ऐसा कतई न करें, उचित फोरम पे आप विरोध करें, क्योंकि आप अपनी ही संपत्ति को जला रहे हैं। मुझे लगता है अब आप ऐसा नहीं करेंगे। यह जरूर है कि ये बातें थमी हैं, लेकिन यह भी जरूर है कि हमें और भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं मीडिया सम्मानित साथियों का, सभी का अंतर मन से आभार व्यक्त करता हूँ
कि आपने एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी सहभागिता निभाई, और मैं एक बार पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि सर्कुलेटिंग एरिया सहित और भी मैं कई जगहों का मैंने निरीक्षण किया, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात अब थम जानी चाहिए। मित्रों साथियों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसी के निमित्त आप अपने रचनात्मक ऊर्जा को विध्वंसात्मक न बनाइए, समूल नाश न करिए, समूल विकास करिए, फिर महान भारत के आप सच्चे नागरिक हैं। आप आपकी जननी ने भी संस्कार के रूप में आप पाला है, जो ट्रेनें धू धू करके जल रही हैं, मतलब मैं हम लोगों ने जो रेल परिवार के लोग हैं और लोगों ने खून के आंसू रोए हैं, प्लीज कतई आप न करिए, किसी भी कीमत पे न करिए और किसी भी प्रकार के बहकावे में न आइए। रेल परिवार के इस सद्भाव समर्थन के लिए हम तीनों त्रय सदस्य एक बार पुनः, हमारे बगल में शिशिर कुमार सिंह जी, हमारे बगल में नसरीन फातिमा जी और उपस्थित सभी लोगों का पवित्र अंतर मन से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल। नहीं, मैं अग्निवीर के बारे में सिर्फ यह कहूँगा कि इस पर एक चिंतन की ज़रूरत है। अभी जैसे किसी तरह का आक्रोश है, मैं इसको कहूँ कि यह ठीक नहीं है, ख़राब नहीं है। मैं सिर्फ बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अभी निवेदन कर रहा हूँ, बड़े अंतर्मन से निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय, जो पुरानी प्रक्रिया सेना में चली आ रही है उससे इतर अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वाराणसी से दीपक चौबे की रिपोर्ट।